And today we are going to start with tricarboxylic acid cycle or TCA cycle and PDH complex. To start with PDH complex, we have to convert pyruvate, which is the end product of glycolysis, into the acetyl CoA. For this, we have an enzyme known as PDH complex. PDH complex has three components of enzyme E1, E2, and E3. E1 is pyruvate decarboxylase. पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज मतलब यहाँ से पायरोवेट के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, फिर हमारे पास डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, फिर इसके अंदर एसिटाइलेशन होगी, फिर इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होगी। ये हमारे पास बुक से पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज एड कर रहा है, जिससे हमारे पास पायरोवेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, इसने जब एसिटाइलेशन की तो हमारे पास यहाँ पे एसिटाइलेटेड हो गया और साथ में कोए ग्रुप मिल गया। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया कि हमारे पास NAD से NADH बना दिया और इसको हमारे पास मजीद प्रिसाइज कर दिया और बना दिया हमारे पास टोटल, ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट था रिएक्शन का, जहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन होकर एसिटाइल को ए बन गया। ये हमारे पास है एसिटाइल ग्रुप और ये आ गया को ए ग्रुप। इसके साथ हमारे पास होते हैं पांच कोएंजाइम। E1 के लिए हमारे पास थायमिन पाइरोफॉस्फेट यानी कि वाइटामिन बी1 आई थिंक सो। फिर उसके बाद E2 के लिए हमारे पास लिपोइक एसिड और को ए यूज होता है, और E3 के लिए नैड और फैट। ये हमारे पास नैड और फैट यूज हो रहे हैं, और ये हमारे पास यूज हो रहा है TPP यानी कि थायमिन पाइरोफॉस्फेट, और यहाँ पे को ए, और ये हमारे पास लिपोइक एसिड आ गया। लिपोइक एसिड को ए ये फॉर एंजाइम 2। एंजाइम 3 के लिए हमारे पास फैट और नैड। एंजाइम 1 के लिए TPP। ये हमारे पांच कोएंजाइम हो गए PDH कॉम्प्लेक्स। PDH कॉम्प्लेक्स की रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होती हैं, जिसके अंदर फॉस्फोराइलेशन होती है पायरोवेट का। PDH काइनेज एंजाइम होता है जो कि इनएक्टिव कर देता है E1 को। अगर हमारे पास पायरोवेट ज्यादा है तो हमारे पास PDH कॉम्प्लेक्स जो है वो कम काम करेगा, और अगर पायरोवेट कम है तो ज्यादा काम करेगा। ये हमारे पास है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फोराइलेटेड जब होता है तभी हमारे पास इनएक्टिव होता है, जब डीफॉस्फोराइलेट होता है तो ये एक्टिव होता है। अगर हमारे पास जो है पायरोवेट ज्यादा है तो ये हमारे पास इस की डीएक्टिवेशन कराएगा। अगर हमारे पास ATP, एसिटाइल कोए और NADH ये ज्यादा है तो ये हमारे पास, ये सारे हाई एनर्जी कंपाउंड है, इन हाई एनर्जी कंपाउंड से इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी। फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा और हमारे पास PDH एसिटाइल कोए नहीं बनेगा। और अगर पायरोवेट ज्यादा है तो ये पायरोवेट जो है इसकी इस रिएक्शन को यानी कि जो फॉस्फोराइलेशन वाला रिएक्शन है इसके लिए नेगेटिव है। यानी अगर पायरोवेट ज्यादा है तो ये रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर पायरोवेट ज्यादा है तो ये रिएक्शन हमारे पास कम होगा। ये एंजाइम जो अपनी एक्टिव फॉर्म में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो हमारे पास पायरोवेट से एसिटाइल कोए बनेगा। ये हमारे पास PDH साइकिल की रेगुलेशन। PDH कॉम्प्लेक्स जो है फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होता है और हमारे पास नॉन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म इसकी एक्टिव होती है। अगर हमारे पास एनर्जी ज्यादा है यानी कि हमने एनर्जी नहीं बनानी तो हमने ग्लाइकोलाइसिस वाला स्टेप तो हो चुका है, तो आगे हमने रिएक्शन नहीं जान देना। आगे रिएक्शन नहीं जान देना, ATP, NADH, एसिटाइल कोए ज्यादा है तो ये वाला रिएक्शन जो है फॉस्फोराइलेशन की तरफ जाएगा, PDH कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव होगा और हमारे पास कन्वर्जन नहीं होगी इसकी एसिटाइल कोए में। और अगर हमारे पास एनर्जी कम है, पायरोवेट ज्यादा बना हुआ है या कैल्शियम ज्यादा है तो हमारे पास PDH कॉम्प्लेक्स नॉन एक्टिव से एक्टिव हो जाएगा डीफॉस्फोराइलेट होकर, और हमारे पास PDH पायरोवेट से एसिटाइल कोए बनेगा। अब डेफिशिएंसी ऑफ E1 से हमारे पास क्या होता है, कंजेंटल लैक्टिक एसिडोसिस। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर E1 डेफिशिएंट होगा तो हमारे पास पायरोवेट एसिटाइल कोए में चेंज नहीं होगा, और अगर ये चेंज नहीं होगा तो हमारे पास पायरोवेट लैक्टेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टेट जब ज्यादा बनेगा तो हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस होगा। वो हमारे पास मेनली जो है वो ब्रेन को फुली टाइम फुल टाइम एनर्जी चाहिए होती है, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड जब अकुमुलेट होगा तो वहाँ पे न्यूरो डीजनरेशन होगी और मसल की स्पैसिसिटी होगी और अर्ली डेथ हो जाएगी। इसमें हमने इलाज क्या करना है कि हमने डाइट रिस्ट्रिक्शन देनी है कार्ब्स की, और थायमिन के साथ सप्लीमेंटेशन देनी है। थायमिन आई थिंक सो विटामिन डी। थायमिन की डेफिशिएंसी यानी आसिन की जो है डेफिशिएंसी से हमारे पास PDH कॉम्प्लेक्स जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका E1 के लिए हमारे पास कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। इसको हम वर्निकॉर्सकॉफ सिंड्रोम कहते हैं, और ये अल्कोहल की प्रेजेंस में अल्कोहल अब्यूज की वजह से हमारे पास थायमिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक सिंड्रोम है हमारे पास लाई सिंड्रोम, ये हमारे पास ये भी एनकेफलोपैथी है। ये क्यों है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की ATP प्रोडक्शन वाले जो जीन्स है ना वहाँ पे म्यूटेशन हो जाए, जो कि PDH कॉम्प्लेक्स को या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को या ATP सिंथेस वाले एंजाइम को हमारे पास जो थे इनकोड कर रहे थे, वो वाले जीन के प्रोटीन वो वाली प्रोटीन के जीन्स जो हैं वो म्यूटेट हो जाएं, इसको हम लाई सिंड्रोम कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है TCA साइकिल, यहाँ सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलेट साइकिल, इसके बहुत सारे नाम है। इसमें क्या है, हमारे पास एसिटाइल कोए बना था PDH कॉम्प्लेक्स से, उसके अंदर हमने ऑक्सैलो एसिटेट को मिलाना है। पहले हम इसको सिर्फ रीड कर रहे हैं, फिर इसको समझाती हूँ। ऑक्सैलो एसिटेट के साथ एसिटाइल कोए मिलेगा तो सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट के आइसोमराइजेशन होगी तो हमारे पास आइसोसिट्रेट बन जाएगा, आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजनेशन डीहाइड्रोजनेशन होगी तो अल्फा कीटोग्लूटारेट होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। फिर हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सक्सिनेट बनेगा, फिर सक्सिनेट जो है वहाँ से फ्यूमारेट बनेगा, फ्यूमारेट से मैलेट और मैलेट से ऑक्सैलो एसिटेट। इसको कैसे याद करना है, ओ कैन आई कीप सेफ फ्रॉम मलेरिया, ओ कैन आई कीप सेफ फ्रॉम मलेरिया, ओ कैन आई कीप सेफ फ्रॉम मलेरिया। ऑक्सैलो एसिटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, इसके अंदर ऑक्सैलो से सिट्रेट जब बन रहा है तो हमारे पास एसिटाइल कोए ऐड होगा। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रिएक्शन, एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसिटेट मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस, सिट्रेट बन रहा है। फिर हमारे पास सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है थ्रू, इस रिएक्शन में कोई खास वो नहीं है, लेकिन इसका जो एंजाइम है ना कॉनिटेज, इसको हमारे पास फ्लोरो एसिटेट जो है वो इनहिबिट करता है, वो हमारे पास यहाँ पे एसिटाइल कोए को इनहिबिट करता है। इसके बाद आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर एक कार्बन कम होना है, कार्बन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज है, डीहाइड्रोजिनेज जहाँ पे भी एंजाइम के साथ लगा होगा वहाँ पे हमारे पास NAD से
यहाँ तो NADH बन रहा होगा या फिर NADH से NAD बन रहा होगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में हमारे पास हाइड्रोजन का चेंज होना है, यहाँ तो हमारे पास NAD से ये बन रहा होगा या फिर इससे ये बन रहा होगा। इसके अलावा फैट जो है ना वो FADH2 में कन्वर्ट हो रहा होगा या FADH2 फैट में कन्वर्ट हो रहा होगा। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होकर अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा और हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, एक NADH प्रोड्यूस होगा। इस स्टेप पे हमारे पास रेगुलेशन कैसे है कि अगर एनर्जी ज्यादा है हाई एनर्जी कंपाउंड जो है वो इस स्टेप को रोकेंगे, लो एनर्जी कंपाउंड इस स्टेप को इंक्रीज करेंगे। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइक ओए बनता है विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा है तो NAD से NADH प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना जितने सारे हमने PDH कॉम्प्लेक्स के कोएंजाइम्स पढ़े थे वो यहाँ पे यूज होंगे। TPP थायमिन पाइरोफॉस्फेट लिपोइक एसिड कोए NAD फैट ये सारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी सारे यूज होंगे। और ये क्वेश्चन भी आता है लाइक व्हाट आर द फाइव आइटम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द TCA साइकिल, थायमिन पाइरोफॉस्फेट लिपोइक एसिड कोए NAD फैट। थायमिन B1 है, NAD B2 है, फैट B3 है, इस तरह ही है कुछ, और कोए 5 है, लिपोइक एसिड का मुझे नहीं पता। और यही स्टेप जो है ये मेन रेगुलेटरी स्टेप है TCA साइकिल का। यहाँ पे अगर NAD या सक्सिनाइक कोए ज्यादा होगा तो ये स्टेप कम होगा और अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो ये स्टेप ज्यादा होगा। इसके बाद हमारे पास सक्सिनाइक कोए से सक्सिनेट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास सक्सिनेट थायोकाइनेज एक्ट करेगा। सक्सिनेट थायोकाइनेज जब एक्ट करेगा तो हमारे पास GDP से GTP बनेगी और ये हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और ये GTP जो है ना दोबारा से GDP में कन्वर्ट होगी और इसकी एनर्जी यूज करते हुए हमारे पास ADP से ATP बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास सक्सिनेट के ऊपर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, वो फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का एंजाइम है। यहाँ पे अब यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेज है तो फैट से फैट H2 बनेगा, फ्यूमारेट से मैलेट बनेगा, फ्यूमारेज एक्ट करेगा वाटर निकल जाएगा, फिर मैलेट में मैलेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा, फिर से डिहाइड्रोजनेज तो एक NADH यूज होगा, NADH प्रोड्यूस हो जाएगा और ऑक्सैलोएसिटेट रीजनरेट हो जाएगा। रिवाइज अगर करें तो एसिटाइल कोए से हमारे पास ऑक्सैलोएसिटेट मिल रहा है, सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट से एकोनिटेट, यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज एक्ट करेगा, फिर इसके अंदर हमारे पास कोए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आइसोसिट्रेट आएगा, एकोनिटेज एक्ट करेगा, यहाँ पे हमारा क्लोरोएसिटेट इंपॉर्टेंट है। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा बाय डीकार्बोक्सिलेशन और यहाँ पे NADH बनेगा, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट बनेगा, यहाँ पे भी हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होगी और NADH प्रोड्यूस होगा, फिर सक्सिनेट से मैलेट फ्यूमारेट बनेगा बाय सक्सिनेट थायोकाइनेज, यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी और हमारे पास फ्यूमारेट से फिर मैलेट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास फैट प्रोड्यूस होगा। और ये वाला स्टेप जो है ये हमारे पास यूरिया साइकिल के अंदर भी आता है, मैलेट से फिर ऑक्सैलोएसिटेट बनेगा और यहाँ पे भी मैलेट डिहाइड्रोजनेज से NADH प्रोड्यूस होगा और हमारे पास ऑक्सैलोएसिटेट रीजनरेट हो जाएगा। अब टोटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एनर्जी यहाँ पे एक GTP बना है हमारे पास, 3 NADH और 1 FADH, एक GTP से एक ATP बनेगा, 3 NADH से हमारे पास एक NADH 2.5 ATP देता है, 3 × 2.5 7.5 ATP, एक FADH जो है वो हमारे पास 1.5 ATP देता है, एक FADH 1.5 आ गया। टोटल सम करेंगे तो एक एसिटाइल कोए से हमारे पास 10 ATP बनेंगे। इनहिबिटर्स क्या है यहाँ पे, फ्लोरोएसिटेट, आर्सेनेट, ATP और NADH यानी कि हाई एनर्जी कंपाउंड, मेलोनेट, सक्सिनाइल कोए और सिट्रेट, ये सारे इनहिबिटर्स हैं TCA साइकिल के भी PDH कॉम्प्लेक्स के भी। एक टर्म यूज होती है व्हाट आर एनाप्लियोरोटिक रिएक्शन, एनाप्लियोरोटिक रिएक्शन वो हैं जो कि TCA साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना उनको रिसाइकिल या रिप्लेनिश करने के लिए यूज हों, क्योंकि ये हमारे पास हब ऑफ मेटाबॉलिज्म है TCA साइकिल। ये इसकी रेगुलेशन दी हुई है, एक सिट्रेट भी इसको इनहिबिट कर सकता है अगर सिट्रेट ज्यादा होगा, और हमारे पास ADP और कैल्शियम जो है वो सिमुलेट करेंगे और हमारे पास NADH और ATP और सक्सिनाइल कोए हमारे पास इसको इनहिबिट करेंगे। सक्सिनाइल कोए, अल्फा कीटोग्लूटारेट, फ्यूमारेट और ऑक्सैलोएसिटेट सारे लेवल से यहाँ पे पाइरूवेट लेवल से यहाँ पे सारी जगह से हमारे पास अमीनो एसिड एंटर कर सकते हैं और ये ऑक्सैलोएसिटेट से वापस हमारे पास पाथवे जा सकते हैं, आगे हम ग्लूकोनियो जाने सफर पड़ेंगे। ये वो बात है क्योंकि GTP से हमारे पास सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी और जबकि NADH और FADH से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन की।